नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हैं। तो आज मैंने अपने गार्डन की काफ़ी सारी प्लांट की जगह चेंज की है। अर्डेनियम का मैंने सबको एक जगह शिफ्ट कर दिया और जितने भी प्लांट जिस जिस वेराइटी के हैं उनको इकट्ठा करके मैंने रखा है। तो आज हम गार्डन का सिर्फ ओवरव्यू ही करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी सेटिंग कहाँ कहाँ की है और कहाँ कहाँ पे मैंने कौन कौन से प्लांट रखे, तो उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हो ये इस वाले स्टार वाले प्लांट में, अडेनियम के प्लांट में देखो बंचेज में कैसे कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो इसके भी मैंने आज जगह चेंज कर दी है, इस वाले की भी मैंने आज जगह चेंज कर दी है, इस वाले की भी, इस वाले की भी। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सारे अर्डेनियम एक जगह इकट्ठे कर दिए। इस सामने वाले रेक पे मैंने सारे अर्डेनियम लगा दिए, ये देखिए। तो सारे अर्डेनियम मैंने इस तरह से इकट्ठे इसी वाले रेक पे सारे अर्डेनियम मैंने कर दिए। और ये देखिए अर्डेनियम में सब पूरे सभी अर्डेनियम में बहुत सारे अच्छे मतलब फूल खिले हुए हैं, भर भर के अडेनियम फूल दे रहा है। और इनकी भी मैंने जगह चेंज कर दी है। ये हमारे यहाँ गार्डन में देखो कितनी सुंदर तितली आई हुई है जो प्लांट्स के ऊपर बैठी हुई है और प्लांट की पत्ती का शायद रस चूसने में लगी हुई है। तो इस तरह से आप भी देखिए। और डॉलर प्लांट मेरे जो अलग अलग जगह रखे हुए थे वो मैंने तीनों जगह, डॉलर प्लांट की भी मैंने तीनों एक ही जगह बना दी है और चांदनी के प्लांट की भी मैंने एक जगह बना दी है। ये वाले, ये वाला और ये दूसरा वाला जो विंका है पीछे वो वाला, और ये दो चांदनी के जो इकट्ठे हैं ये भी एक, ये वाला जिसमें मैंने खाद डाली फूल नहीं दिए, और ये वाला जो फूल दे रहा है जिसमें बर्ड्स देख पा रहे हो लगी हुई, तो इनको भी मैंने इकट्ठा कर दिया है। और इनको भी, ये भी प्लांट मैंने सारे अभी इकट्ठे किए, तो सारे प्लांट्स मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। चंपा मेरे पास तीन है, एक रेड है और एक ये दूसरी वाली है और एक ये नाग चंपा है मेरे पास। तो तीनों चंपा को मैंने इकट्ठा कर दिया। एक चंपा और है उसमें गुड़हल का प्लांट लगा हुआ है, तो उस इसलिए मैंने उसको अलग रखा है क्योंकि उसके अंदर से मुझे गुड़हल का जो कटिंग मैंने लगाई है वो हटाऊँगी, तब फिर इन्हीं के साथ उस चंपा को भी मैं कर दूँगी। तो आप देख सकते हो ये तीन चंपा है मेरे पास, एक ये है और ये रेड चंपा है और ये नाग चंपा है। तो तीन चंपा है मेरे पास। ये कैक्टस प्लांट है जो पीछे लगा हुआ है, और ये स्वीट पोटैटो भी मेरे पास बहुत अच्छे से चल रही है। स्वीट पोटैटो के भी मेरे पास चार पांच प्लांट है, दो यहाँ पे लगे हुए हैं और दो वो उधर सामने लगे हुए, उसमें से एक स्वीट पोटैटो ये वाली भी है मेरे पास। ये दो कलर की स्वीट पोटैटो है मेरे पास, ये देखिए। ये प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वाले भी मैंने ठीक से किए हैं। और इस डेवल बोन के भी मेरे पास दो प्लांट है, इसका एक साथी अभी मैंने रखा नहीं है, वो इसके साथ रखूँगी। वो बिना, जैसे ये वेरीकेटेड इसकी पत्तियां हैं और उसकी वेरीकेटेड नहीं, सिंपल है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा। ये देखिए इसके भी दो प्लांट है, इसकी पत्तियाँ सिर्फ सिंपल है, तो ये भी मेरे पास दो है और इसमें भी अभी फूल लगे हैं। और ये वाले प्लांट भी आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से मेरे पास चल रहे हैं। और ये इसकी कटिंग, ये फन का जो है अम्ब्रेला पाम जो फन है उसके भी मैंने उस साइड करवाया है। तो ये वाले प्लांट भी आप देख सकते हो, इनकी भी मैंने जगह चेंज की है और इनको भी मैंने सारा इकट्ठा मतलब किया है। तो ये इसकी भी जगह मैंने आज चेंज कर दी है, और फाइकस है ये, और इसकी भी, इनकी भी ब्रीडिंग हार्ट की भी जगह मैंने चेंज कर दिया है कि इंडोर वाली जगह दे दी है इसको। और गंदराज को भी मैंने इंडोर की जगह दे दी है, और रबर प्लांट को भी मैंने इंडोर की जगह दी है। और ये पीस लिली है, अब इसमें स्टिक निकलने वाली है, तो पीस लिली तो हमेशा यहीं रहता है, बाकी प्लांट्स की मैंने काफ़ी जगह चेंज की, इसकी भी की है। और ये वाले मैंने इंडोर भी काफ़ी सारे रख दिए है, इसकी भी जगह मैंने चेंज की है। और ये गुड़हल तो खैर यहीं पे रहता है, और इसके भी मैंने जगह चेंज कर दी है। ये देखिए गंदराज लगा हुआ है, गंदराज में भी देख पा रहे हो कितनी सारी पत्तियां निकल गई है, और ये इनका भी मैंने चेंज कर दिया, जगह चेंज किया। और उधर मैंने इनकी भी जगह चेंज की है, ये देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा वो लगते हैं अपराजिता में, तो अपराजिता एक ब्लू और एक वाइट रंग की है, ब्लू में अभी फूल नहीं आ रहे, वाइट रंग वाली में फूल लगे हुए हैं।
और इसमें शीट भी ऐसी इस तरह से फलियां बनती है जिससे आप दोबारा से प्लांट बना सकते हैं। वैसे मैंने इसकी वीडियो एक बार बनाई है, फिर से एक बार कोशिश करूँगी बनाऊँगी तो इनको भी। और ये बोगनविलिया है, इनको भी मैंने सारी तीनों 1, 2, 3 और ये कटिंग लगी है 4। बोगनविलिया की भी मैंने जगह चेंज कर दी है, ज़्यादा धूप चाहिए थी तो धूप में कर दिया। ये गुलाब यहाँ पे है, इनको भी कर दिया। ये मोगरा के दो प्लांट है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया कि यहाँ और एक यहाँ पे। चलो डे लिली को भी धूप चाहिए होती है तो डे लिली को भी मैंने धूप में कर दिया। तो चलो अब उस साइड चलते हैं। मैंने सारे प्लांट्स की काफ़ी सारी जगहें मैंने चेंज कर दिया है। ये अडेनियम देख पा रहे हो, इस जगह आ गए सारे अडेनियम, इस जगह आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो उस साइड देखते हैं। और गुलाब मेरे पास कितने सारे हैं, मेरे पास 2 गुलाब मेरे ख़राब हो चुके हैं और 5 गुलाब मेरे पास अभी भी है, जिसमें से हाइब्रिड भी है और देसी वाले भी है। तो ये 5 गुलाब मैंने इकट्ठे इस तरह इधर कर दिए हैं। और ये इसके भी 3 प्लांट हैं मेरे पास। ठीक है, इनको भी इकट्ठा, एम्ब्रेज लिली इनका भी 3 है, 1, 2, 3 और ये तीनों, इनको भी मैंने इकट्ठा कर दिया। एक कहीं और भी रखा होगा, ये भी देख सकते हो, इनको भी मैंने इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, और ड्रेसिना के प्लांट मेरे पास कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रेसिना के प्लांट है, देख पा रहे हो 6 के 6। इन ड्रेसिना प्लांट्स को भी मैंने इकट्ठे कर दिए। और इसमें अभी इसको मैंने शीट से लगाया था और वैसे भी इसके अंदर जो प्लांट था ये फिर से निकल आया और बाकी ये शीट से प्लांट बनता है, इसको फॉरेन क्लोक भी कहते हैं, ब्लू रंग के इसमें बहुत सुंदर शाम के टाइम फूल आते हैं। और इसमें भी अभी कनेर का प्लांट है, हाइब्रिड कनेर है, अब पहले इसने भर भर के फूल दिए, अब दोबारा इसने फूल लगाए हैं। और ये इसका प्लांट है, इसका क्या नाम है, इसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा नाम है इसका, इसमें फूल आते हैं बहुत सुंदर, अभी घूम के आती हूँ फिर इसका नाम याद आता है तो फिर मैं आपको इसका नाम बताती हूँ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उस साइड चलते हैं। ठीक है, इस साइड भी देखिए, गुड़हल मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, इसमें ये वाले गुड़हल भी इकट्ठे कर दिए, हाइब्रिड भी कर दिए और ये वाले भी गुड़हल मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये गुड़हल के मेरे पास 3 प्लांट है, देख सकते हो, ये वाले 3 प्लांट है गुड़हल के मेरे पास। ये देखिए गुड़हल मैंने इकट्ठे कर दिए, ये रहे 1, 2, 3, ये जो क्रीम कलर के तीनों मैंने कटिंग से लगाए थे ये। और मिर्ची गुड़हल में भी अभी फूल आ रहे हैं, तो मिर्ची गुड़हल के भी मेरे पास 2 प्लांट है और मैंने कटिंगें भी लगाई, तो मैंने मिर्ची गुड़हल भी, आप देख सकते हो, मिर्ची गुड़हल के प्लांट भी मैंने इकट्ठे कर दिए। इस वाले में भी अभी फूल और कलियाँ लगी हुई है, तो ये तो पहले से यहीं रखा हुआ था। ठीक है, इसमें ये कलियाँ लगी हुई है, तो ये तो अभी भी फूल दे रहा है और इसके फूल हम तोड़ भी देते हैं। तो इसी के साथ मैंने गुड़हल के भी सारे प्लांट इकट्ठे कर दिए हैं और हाइब्रिड जो प्लांट है उसमें भी कलियाँ लगी हुई है। ये मिर्ची गुड़हल की कटिंग है और इसी के अंदर ये देखिए नागचंपा की कटिंग लगी, तो ये कटिंगें मैं बाहर निकालूँगी और ठीक करूँगी इनको फिर से। और ये हाइब्रिड के अंदर देखो कितने सारे वो लगे हुए हैं, अभी दवाई डलवाऊंगी शाम के टाइम इनको कह के, ये भी हाइब्रिड है। तो गुड़हल के भी आप देख सकते हो मैंने सारे प्लांट इकट्ठे कर दिए, तो गुड़हल भी मेरे पास कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 यानी 10, 11 मेरे पास गुड़हल के प्लांट है। ये जो सामने लगे हुए हैं सारे गुड़हल के प्लांट है, ये भी मैंने सारे एक ही जगह इकट्ठे करवा दिए। और स्पाइडर प्लांट भी आप देख सकते हो, ये भी मेरे पास काफ़ी अच्छे लगे। फन के जो ये प्लांट है, ये अम्ब्रेला पाम वाला जो है, ये भी मैंने इसके साथ इकट्ठा करवा दिया। और इस वाले का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, पता नहीं। और डे लिली मेरे पास, ये रेन लिली मेरे पास 3 है, एक तो ये वाला कलर है और एक वाइट है और एक येलो है, तो तीनों रेन लिली है मेरे पास। और इस वक्त आप रेन लिली भी लगा सकते हो, कल जो मैंने बल्ब्स की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रेन लिली का बताना भूल गई थी। और जेड प्लांट है मेरे पास बहुत सारा, और ये सिंगोनियम है और ये इसमें भी फूल लगे हुए हैं, इसका नाम भी अच्छा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, हेमरलिया हरमेलिया क्या कुछ ऐसा करके उसका नाम है, ये भी बहुत अच्छे से भर भर के फूल देता है, ये भी बहुत अच्छा है। और ये यूफोबिया, ये भी बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, इसका भी
क्या है कांटे वाला, इसका नाम मिलीफोबिया पता नहीं क्या कुछ ऐसा करके इसका नाम है। ये भी प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और अलमंडा आप देख सकते हो, अलमंडा में फूल और कैसे कलियाँ लगी हुई है। तो अलमंडा की ये बेल है, इसमें फूल लगे हुए हैं, तो अलमंडा भी बहुत अच्छे से और इसमें इस तरह से कलियाँ भी लगी हुई है। तो अलमंडा की बेल भी आप लगा सकते हो। ये दूसरा वाला अलमंडा है, दो अलमंडा थे, ये हाइब्रिड वाला है और ये वैसे बेल वाला है। तो इसमें अभी फूल लगे नहीं हैं, तो इसको भी मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। कड़ी पत्ते की भी जगह मैंने अलग से बना दी है। मेजम डीडी है, इसके भी तीन चार है, दो कहीं और रखे, दो तो मैंने अभी इनको इकट्ठा कर दिया है। बाकी इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, देखते हैं कब फूल देता है। और ये राखी बेल है रेड वाली, इसने अभी पीछे फूल दिए थे, अभी नहीं दिए। इसने भी अभी फूल लगाया, इसका नाम भी मुझे याद नहीं है, ये माचिस वाला जिसे बोलते हैं। इसने तो स्टिक लगाई, इसकी भी मैंने जगह चेंज कर दी, इसमें दो स्टिक लगी। इसकी भी मैंने कटिंग निकाल के अच्छे से लगाई है। चलो तो मैंने अपने सारे प्लांट्स दिखा दिए। ये वाला आर्टेनियम शिफ्ट करना रह गया है, इसमें भी फूल दिए हैं। तो गार्डन का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, हम जितना मर्ज़ी काम करें करते जाएंगे तब भी गार्डन का काम ख़त्म नहीं होता। कल मैंने सारी देखो सफाई की और सारा गार्डन मैंने ठीक किया। ये सारा आप देख पा रहे हो, मैंने अच्छे से यहाँ से ले कर यहाँ तक मैंने सारा ठीक किया है। तो कल दो दिन से बहुत मेहनत हो गई है, ये वहाँ तक मैंने प्लांट ठीक किए और ये भी मैंने ठीक किए। ये देखिए ये सारे एडेनियम यहाँ पे किए और ये सारे प्लांट मैंने इस तरह से लाइन से लगाए। अभी भी इतनी सफाई करने के बाद में भी अभी भी मिट्टी है, और एक बार और झाड़ू लगेगा तब जाके ये गार्डन की अच्छे से सफाई होगी। तो देख पा रहे हो मैंने सारे, कल से दो दिन से बहुत मेहनत हो गई और बहुत काम हो गया, मगर एक बार काम अच्छा हो गया कि सारे एडेनियम मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इनका पानी का कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम सब प्लांट्स में पानी डालते हैं तो एडेनियम में भी उसी तरह से प्लांट्स में पानी देते थे जैसे सब प्लांट्स में देते हैं, जबकि एडेनियम में पानी थोड़ा हाथ को रोक के कम देना चाहिए। तो अब एडेनियम के लिए मुझे चिंता नहीं रहेगी, एडेनियम को सबसे लास्ट में ज़रूरत होगी, उसी तरह से मैं पानी डाला करूँगी। बाकी प्लांट्स में जैसे रोज़ कंटिन्यू हम पानी देते हैं, उसी तरह से हम पानी देते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे प्लांट्स देख पा रहे हो, सारे इकट्ठे कर दिए और लाइन से लगा दिए, क्योंकि पहले एक प्लांट कहीं था एक प्लांट कहीं था, इस तरह से रखे हुए थे। तो अब सारे प्लांट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ड्रेसिना को ड्रेसिना के साथ रख दिया, अलमंडा के अलमंडा के साथ रख दिए, फन वाले के साथ रख दिया, अडेनियम को अडेनियम के साथ रख दिया, चांदनी के प्लांट्स दो तीन चांदनी के इकट्ठे रख दिए, चंपा के इकट्ठे रख दिए जो इकट्ठे हैं, इस तरह से दंतस के भी है, कॉरोनेशन के भी है मेरे पास। दंतस भी इस वक्त अच्छा चल रहा है, इसमें भी फूल खिल रहे हैं। ये देखिए कल ज़्यादा थे, अभी एक ही खिला हुआ है, कल मैंने इनको भी तोड़ा था। तो प्लांट्स तो सारे बहुत अच्छे, ये विंका है, विंका का भी, ये पिछले साल का विंका है, इसकी मैंने कटिंग इसकी भी मैंने बनाई थी वीडियो। अब इसको बड़ा पोट दूंगी या एक आधा विंका या तो लेके आऊँगी। चलो तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जुड़े रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।